पीडी न्यूज दबिजवा की दास्तां में आपका स्वागत है। कटिहार जिला में बालू एवं गिट्टी की हो रही है ओवरलोडिंग, प्रशासन मौन। बिहार के कटिहार जिला में आबादपुर, बारसोई एवं सनौली होते हुए कई ट्रकों की ओवरलोडिंग लगातार जारी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में गिट्टी और बालू ढोने वाली ट्रकों की है। इस कारण ग्राहकों को मानक से अधिक लोडिंग खरीदनी पड़ रही है। स्टैंडर्ड के हिसाब से 8 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का और 16 चक्का ट्रकों पर अलग अलग लोडिंग मानक दिए गए हैं, परंतु हालात यह है कि 400 सेफ्टी के ट्रक पर 600 सेफ्टी लोडिंग आ रही है। इसी तरह 500 सेफ्टी के ट्रक पर 700 सेफ्टी की लोडिंग सप्लाई की जा रही है। ओवरलोडिंग का स्पष्ट प्रमाण बंगाल की ओर से आने वाली गिट्टी की लोडिंग पर देखने को मिलती है। कोई भी ट्रक 700 सेफ्टी से कम गिट्टी की सप्लाई नहीं कर रही है। ऐसे दर्जनों ट्रक कई चेक पोस्ट के पूरब लगे रहते हैं। गिट्टी के एजेंट से बिक्री का सिग्नल मिलते ही रात के 11 बजे के बाद शहर में गंतव्य स्थान पर माल गिरा दिया जाता है। लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग कभी कभी अभियान चलाकर ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की औपचारिकताएं भरकर रहती है। 10 से 20 ट्रक पकड़े जाते हैं और फिर वहीं हाल ओवरलोडिंग ट्रक धड़ल्ले से सड़कों की लाइफ चौपट करते नजर आती है। गिट्टी के 85 से 90 फीसदी ट्रक बंगाल एवं झारखंड से आते हैं। कटिहार पूर्णिया में भवन निर्माण के लिए लिए गए गिट्टी की सप्लाई मोटे तौर पर बंगाल एवं झारखंड से आने वाली गाड़ियां ही करती है। ऐसी सभी गाड़ियां कटिहार पूर्णिया के अलावे आसपास के जिलों में भी देखी जाती है। संबंधित अधिकारियों द्वारा कभी कभी ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने की औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती है, मगर बाद में फिर स्थिति पहले जैसी नजर आती है। रात से ही बड़ी संख्या में ओवरलोडिंग ट्रकों का जिले में पहुंचना शुरू हो जाता है। ओवरलोडिंग वाहनों के चलते सड़कों की हालत जर्जर हो रही है एवं जिला में गिट्टी बालू माफिया द्वारा एंट्री के नाम पर ओवरलोडिंग ट्रक से रुपया का वसूली किया जाता है, जिसमें खनन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, एंट्री माफिया द्वारा सुविधा शुल्क दिया जाता है। पीडी न्यूज के लिए नूर नासिर की खास रिपोर्ट। शाम में ओवरलोड है, गाड़ी बाप बाप